वेलकम टू माय चैनल आई एम प्रशंसा आज मैं आपको सिलेबस का कंप्यूटर जोन बुक का एक चैप्टर सिखाऊंगी चैप्टर नंबर फाइव द कीबोर्ड यू यूज पेंसिल टू राइट इन योर नोटबुक आप अपनी पेंसिल यूज करते हो नोटबुक में लिखने के लिए व्हाट कैन यू यूज टू राइट ऑन अ कंप्यूटर आप कंप्यूटर पे लिखने के लिए क्या यूज कर सकते हो यू विल यूज अ की बोर्ड आप एक की बोर्ड यूज करोगे अ की बोर्ड इज अ पार्ट ऑफ कम्प्यूटर की बोर्ड एक कम्प्यूटर का पार्ट है इट हैज बटन्स कॉल्ड कीज उसमें बटन्स होते हैं जिसको कीज कहते हैं सम इम्पोर्टेंट कीज ऑन की बोर्ड आर हाईलाइटेड यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट कीज दिए हुए है नंबर कीज बैक स्पेस की डिलीट की अल्फाबेट की स्पेस बार की एंटर की एरो की यू कैन प्रेस द की टू टाइप हम कोई भी की को प्रेस करेंगे दबाएंगे लिखने के लिए टाइप करने के लिए वॉट यू टाइप इज सीन ऑन मॉनिटर आप जो भी टाइप करोगे वो मॉनिटर पे दिखाई देगा यू विल सी अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द मॉनिटर आप मॉनिटर पे एक छोटा सा ब्लिंक करता हुआ लाइन देखोगे दिस इज कॉल्ड करसर उसको करसर कहते हैं एज यू टाइप द करसर मूव टू राइट आप जैसे ही टाइप करते हो करसर राइट right की तरफ मूव करता है लेट्स लर्न अबाउट वेरियस कीज ऑन की चलिए हम वेरियस कीज कीबोर्ड पे लर्न करते हैं अल्फाबेट की यू कैन यूज अल्फाबेट की टू टाइप लेटर्स आप अल्फाबेट कीज़ करते हो करने के लिए। और sentences को बनाने में हेल्प करती है यू कैन टाइप बोथ स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स आप स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स दोनों टाइप कर सकते हो तो टाइप द वर्ड बैग प्रेस द की बी ए जी वन बाई वन अगर आपको बैग वर्ड टाइप करना है कंप्यूटर में तो आप कीज बी ए जी वन बाय वन प्रेस कीजिएगा दबाइएगा नंबर कीज यू कैन यूज नंबर की टू टाइप नंबर्स आप नंबर की यूज करोगे नंबर टाइप करने के लिए दबाने के लिए तो टाइप नंबर फोर्टीन प्रेस द की वन फोर वन बाय वन अगर आपको फोर्टीन नंबर प्रेस करना है टाइप करना है तो आप कीज़ दबाना डिड यू नो क्या आपको पता है द नंबर कीज आर फाउंड एट टू प्लेसेस ऑन द कीबोर्ड नंबर कीज कीबोर्ड पे दो जगह पाई जाती है एट द टॉप एंड एट द राइट साइड एक ऊपर और एक राइट साइड में एनी ऑफ sets कैन बी यूज इन दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। Find the missing letter to complete the name of the keys.

S P A C E B A R स्पेस बार राइट एंड कलर राइट योर mother's नेम यहाँ पे आप अपनी मम्मी का नाम लिखना कलर द अल्फाबेट कीज ब्लू फॉर द लेटर्स यू नीड टू टाइप योर मदर्स नेम यहाँ पे जो भी अल्फाबेट है जो आपकी मम्मी का नाम लिखने में यूज हुआ है उसको आप ब्लू कलर में कलर करना राइट योर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे कलर द नंबर की इज रेड फॉर द नंबर नीड टू टाइप ऑन द डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे अपना बर्थ डेट वाला नंबर को रेड कलर में कलर करोगे स्पेस बार यू कैन यूज द स्पेस बार टू गिव अ ब्लैंक स्पेस बिटवीन द वर्ड्स आप स्पेस बार का यूज करते हो दो वर्ड के बीच में स्पेस देने के लिए इट इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड की बोर्ड पे सबसे लंबी की है टू टाइप आवर कंट्री विथ स्पेस बिटवीन द टू वर्ड्स। प्रेस द की आर स्पेस बार सी यू एन टी आर वाई अगर आपको आवर कंट्री विथ स्पेस की बोर्ड पे टाइप करना है तो आप एर फिर स्पेस बार सी ओ यू एन टी आर वाई ये कीज टाइप करना तो आपको ऐसा वर्ड निकलेगा आवर कंट्री एंटर की यू कैन यूज एंटर की टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन टू टाइप एप्पल एंड मैंगो इन सेपरेट लाइन प्रेस दीज कीज ए पी पी एल ई एंटर एम ए एन जी ओ आप एंटर की नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए क्लिक करते हैं टू टाइप एप्पल एंड मैंगो इन सेपरेट लाइंस आपको अगर एप्पल और मैंगो अलग अलग लाइंस में लिखना है तो आप ए पी पी एल ई एंटर एम ए एन जी ओ टाइप कर लेंगे इसमें आपको एप्पल और मैंगो दो अलग अलग लाइंस में लिखा हुआ मिलेगा ये प्रैक्टिस टाइम है यहाँ पे थ्री गर्ल्स और टू बॉय कुछ प्रैक्टिस के लिए वर्ड्स दिया हुआ है ये आप अपने कंप्यूटर पे घर पे प्रैक्टिस करना एरो कीज यू कैन यूज एरो कीज टू मूव द कर्सर अप डाउन लेफ्ट और राइट आप एरो कीज यूज कर सकते हो अपना कर्सर अप डाउन लेफ्ट राइट मूव करने के लिए अप एरो की दिस की मूव द करसर अप अगर आप ये की दबाओगे तो आपका करसर ऊपर चला जाएगा डाउन एरो की दिस की मूव द करसर डाउन अगर आप ये की दबाओगे तो आपका करसर नीचे चला जाएगा लेफ्ट एरो की दिस की मूव द करसर लेफ्ट अगर आप ये की दबाओगे तो आपका करसर लेफ्ट में चला जाएगा राइट एरो की दिस की मूव द करसर टू द राइट अगर आप ये की दबाओगे तो आपका करसर राइट साइड चला जाएगा बैक स्पेस की यू कैन यूज बैक स्पेस की टू रिमूव वर्ड्स एंड नंबर टाइप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ कर्सर अगर आप बैक स्पेस की को टाइप करोगे क्लिक करोगे तो वर्ड्स और नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे डिलीट हो जाएंगे जो कर्सर के लेफ्ट साइड में रहेंगे लेट अस यूज द बैक स्पेस की टू करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ फ्लावर टाइप्ड एज फ्लोवार प्रेस द कर्सर आफ्टर ए कर्सर को ए के बाद रखिए प्रेस बैक स्पेस की बैक स्पेस की को दबाइए अ लेटर ए इज रिमूव्ड लेटर ए हट जाएगा टाइप द लेटर ई लेटर ई दबाइए आपका वर्ड फ्लावर बनके रेडी हो जाएगा डिलीट की यू कैन यूज डिलीट की टू रिमूव वर्ड्स एंड नंबर्स टाइप्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर आप डिलीट की यूज करते हो नंबर्स और वर्ड्स कर्सर के राइट साइड में डिलीट करने के लिए हटाने के लिए लेट अस यूज डिलीट की टू करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ फ्लावर टाइप एज फ्लोवर प्लेस द कर्सर बिफोर ए कर्सर को ए के पहले रखिए प्रेस डिलीट की डिलीट की दबाइए लेटर ए इज रिमूव्ड। लेटर ए हट चुका है टाइप द लेटर ई, लेटर ई टाइप कीजिए आपका वर्ड फ्लावर बनके रेडी हो जाएगा कूल टिप प्रेस द की ओनली वंस टू टाइप अ लेटर आप लेटर के की को केवल एक बार दबाइए डू नॉट कीप द की प्रेस्ड, की को दबा के मत रखिए दिस विल टाइप द सेम लेटर मेनी टाइम ये एक ही लेटर बहुत बार टाइप कर देगा टेस्ट योरसेल्फ अब हम लोग टेस्ट करेंगे अपने आप को सर्कल द करेक्ट आंसर्स कीबोर्ड हैज कीज लाइंस कीबोर्ड में कीज होती है या लाइंस होती है कीज होती है व्हाट यू टाइप इज सीन ऑन द मॉनिटर कीबोर्ड आप जो टाइप करते वो वो मॉनिटर पे दिखता है या कीबोर्ड पे दिखता है मॉनिटर पे दिखता है द एल्फाबेट नंबर लेटर्स आप कौन सा की टाइप करते हो लेटर्स के लिए अल्फाबेट की या नंबर की अल्फाबेट की द स्पेस बार एंटर की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द की बोर्ड सबसे लॉन्ग की कौन सा है की बोर्ड पे स्पेस बार या एंटर की स्पेसार की द एरो एंटर की हेल्प टू मूव द करसर अप डाउन लेफ्ट राइट कौन सा की हमको कर्सर अप डाउन लेफ्ट और राइट में मूव करने में हेल्प करता है एरो की एंटर की एरो की फिल इन द्लैंड चूज द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स यहाँ पे बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं बैक स्पेस एरो अल्फाबेट नंबर एंटर डिलीट इन वर्ड का यूज करके हमको यहाँ पे सेंटेंस बनाना है वी यूज डैश की टू टाइप नंबर हम नंबर टाइप करने के लिए कौन सा की यूज करते हैं नंबर की वी यूज डैश की टू टाइप स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स हम स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स टाइप करने में कौन सा की यूज करते हैं अल्फाबेट की वी यूज एंटर टू की टू मूव टू दैक्स्ट लाइन हम कौन सा की यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए एंटर की वी यूज डैश एंड डैश की टू रिमूव टाइप्ड वर्ड एंड नंबर हम कौन सा की यूज करते हैं टाइप्ड वर्ड और नंबर को हटाने के लिए रिमूव करने के लिए बैक स्पेस एंड डिलीट की यूज डैश की टू मूव द करसर अप डाउन लेफ्ट राइट हम कौन सा की यूज करते हैं कर्सर को अप डाउन लेफ्ट राइट करने के लिए एरो की नेम द कीज ये कौन सा की है जी अल्फाबेट की ये कौन सा की है थ्री नंबर की ये कौन सा की है जिसमें एरो इस साइड फेस कर रहा है राइट एरो की ये कौन सा की है कीबोर्ड का लॉन्गेस्ट की स्पेस बार कलर द कीबोर्ड यूजिंग डिफरेंट कलर कोड्स ये आपका होमवर्क है ये आप अल्फाबेट कीज को रेड कलर में कलर करना नंबर कीज को ब्लू कलर में ऑरेंज की को ऑरेंज कलर में स्पेस बार को येलो कलर में बैक स्पेस की को ग्रीन कलर में और डिलीट की को ब्राउन कलर में यहाँ पे एक एग्जाम्पल बना के आपको शो किया हुआ है फ्लैपी एलिफेंट को भी कीबोर्ड सीखना है आइए हम उसको कीबोर्ड तक जाने में उसकी हेल्प करते हैं फ्लैपी चलेगा यहाँ से फिर वो मुरेगा फिर ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाके यहाँ से टर्न लेके ये वो कीबोर्ड के पास पहुंच गया अब फ्लैपी भी कीबोर्ड सीख सकता है आप लोगों की तरह आंसर दीज़ क्वेश्चन वॉट इज अ करसर करसर क्या है करसर इज अ ब्लिंकिंग लाइन दैट ब्लिंक्स ऑन द मॉनिटर करसर एक लाइन है जो मॉनिटर पे ब्लिंक होती रहती है विच की गिवस अ ब्लैंक स्पेस बिटवीन वर्ड्स ऐसा कौन सा की है जो दो वर्ड्स के बीच में स्पेस देता है वो है स्पेस बार स्पेस बार की गिव्स ब्लैंक स्पेस बिटवीन द वर्ड्स विच की मूव्स द कर्सर टू तो द नेक्स्ट लाइन कौन सा की कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले आता है एंटर की एंटर की मूव्स द कर्सर टू तो द नेक्स्ट लाइन आर यूज टू रिमूव टाइप वर्ड्स एंड नंबर्स कौन सा की रिमूव करता है वर्ड्स और नंबर्स को जो हम टाइप किए हुए है वो है डिलीट की और बैक स्पेस की डिलीट की एंड बैक स्पेस की आर यूज टू रिमूव टाइप वर्ड्स एंड नंबर्स आई होप मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया है अगर आपको तो भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फिर मिलते हैं